फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक हेयर प्रॉब्लम के बारे में। ये एक ऐसी हेयर प्रॉब्लम है जिससे काफी लोग परेशान रहते हैं और गर्मियों के मौसम में इससे हम काफी परेशान हो जाते हैं। ये है डैंड्रफ। मैं बात कर रही हूँ डैंड्रफ की। दोस्तों, बालों में डैंड्रफ होना एक आम सी चीज है जिसकी वजह से काफी लोग परेशान होते हैं। डैंड्रफ होने की कुछ खास वजह होती है बालों को लंबे समय तक वॉश नहीं करना, बालों की प्रॉपर ऑयलिंग ना कर पाना, इस वजह से डैंड्रफ बढ़ने लगता है और इस वजह से हमें होती है हेयर लॉस की प्रॉब्लम। तो कैसे इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक आसान सी होम रेमेडी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल और बेल के आइकन को प्रेस कर दें मेरे सारे लेडीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको डैंड्रफ हेयर मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल करना है दाना मेथी का, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का। दोस्तों, दाना मेथी कुछ इस तरीके से दिखती है और ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से दाना मेथी ले सकते हैं। आपको यहाँ इस्तेमाल करना है आधा बाउल दाना मेथी का। आप अपनी हेयर डेंसिटी के हिसाब से दाना मेथी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं अपनी हेयर डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे आधा बाउल दाना मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों, आपको इस मेथी को रात भर के लिए भिगो के रख देना है। आप इस बाउल में पानी भर दीजिए और इसे एक रात तक छोड़ दीजिए। अगली सुबह आप देखेंगे कि आपकी दाना मेथी के दाने फूल चुके हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये मेथी बहुत अच्छे से फूल चुकी है, अब हमें बनाना है इसका हेयर मास्क। तो फ्रेंड्स, मेथी का हेयर मास्क बनाने के लिए हम इस मेथी का पेस्ट बना लेंगे ताकि हम इसे अपने बालों में आसानी से लगा सकें। आप ब्लेंडर की मदद से इसका पेस्ट बना लीजिए ताकि आप इसे अपने बालों में आसानी से लगा पाए। मैंने ग्राइंडर की हेल्प से मेथी का पेस्ट बना लिया है और मैंने एक चीज का ध्यान रखा है कि ये पेस्ट ज्यादा पतला ना हो, क्योंकि अगर पेस्ट पतला हो जाएगा तो ये मेरे स्कैल्प में नहीं रह पाएगा, इसलिए मैंने इसके पेस्ट को थोड़ा गाढ़ा रखा है। तो इस पेस्ट में अब मैं मिलाने जा रही हूँ नींबू के रस को। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस और इस रस की मदद से मैं इस पेस्ट को और भी ज्यादा हेल्दी बना दूंगी। नींबू के अंदर मौजूद विटामिन सी मेथी के साथ मिलकर हमारे बालों को सफेद होने से बचाते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारे बालों को ग्रोथ भी देते हैं और इसे काला भी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पेस्ट थोड़ा चिपचिपा सा है, तो आप इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि नींबू के सारे तत्व मेथी के साथ मिल जाएं। अब आपको इस पेस्ट को अपने बालों में लगाना है। आप इस पेस्ट को उंगलियों की सहायता से अपने बालों में लगाएं और आप इस पेस्ट को लेकर अच्छे से अपने स्कैल्प में मसाज करें। जब आप इसे स्कैल्प में मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि मेथी तो आपके स्कैल्प में नहीं रहेगी, पर मेथी के जो तत्व हैं वो आपके स्कैल्प में जाके उसे नरिश करेंगे। तो आप इसे 5 मिनट तक मसाज करें और फिर इसे आधे घंटे तक छोड़ दें। आधे घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी नेचुरल शैम्पू की मदद से धो लें। आप इसे वीक में 3 बार जरूर करें। आप इस रेमेडी को वीक में 3 बार जरूर इस्तेमाल करें इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।